गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कैसे सब लोग क्या हाल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जस्ट गिव मी टू मिनट्स आई एम जस्ट शेयरिंग द स्लाइड्स विद ऑल ऑफ यू एंड जस्ट स्टार्ट विद द सेशन सो so, आज मेजरली uh, जो एक न्यूज है दैट इज़ रिलेटेड टू के को लेके पॉलिटी के काफी इंपॉर्टेंट परस्पेक्टिव हैं उसमें जो हमें डिस्कस करें इनफैक्ट काफी अच्छा जजमेंट uh, माना जा रहा है उसमें अगर आप देखेंगे इन इन मल्टीपल एस्पेक्ट्स मतलब इट हैज बीन हेल्ड ऑल अक्रॉस बिकॉज प्रोसीजरल इशूज थे एंड देन देवर इशूज सीधे सीधे दिखाते हैं कि लॉ को कैसे सरकमेंट किया गया था इन दिस केस सो मतलब रूल्स को कैसे बेंड किया गया और रूल्स you know, को बेसिकली प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया सो ऑल ऑफ थिंग्स हैव बीन इन द जजमेंट सो काफी सिग्निफिकेंट जजमेंट है एंड इसमें अगर आप देखेंगे दो नो आर्टिकल uh, uh, you know, का मेंशन भी है uh, जो इसमें आप देखेंगे जजमेंट्स के बारे में दिया गया है कि प्रीवियस जजमेंट क्या है ऑन दी रूल ऑफ लॉ सो वो काफी इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव जस्ट वन सेकेंड बाकी आदित्य एलवन मिशन को लेके आया था वो हमने पहले कवर कर लिया है और एक बांग्लादेश के इलेक्शंस को लेके आया वो अगेन हमने कल ऑलरेडी कवर कर लिया था तो हमारे लिए वो न्यूज बच गई बट देन हिंदू में जनरली आप देखेंगे आजकल काफी सारे एडिटोरियल एक साथ आ जाते हैं तो आज ट्यूसडे को जनरली ये सारे एक साथ भर के आ गए सो वी विल ट्राई एंड डू दैट mm -hmm. बाकी देर इज वन मोर न्यूज विच इज इंपॉर्टेंट इज रिगार्डिंग दी आई टैग तो एक जी आई टैग को लेके बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आई है uh, उसको भी हमें देखना है एंड देर्स विल बी सोल्विंग बाकी आज प्रवासी भारतीय दिवस है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज ही के दिन uh, महात्मा गांधी जी वापस आए थे कहा से कहा से वापस आए थे तो so, आज से भारती भारती। प्रवासी भारतीय दिवस चालू हो रहा है और उसको लेके भी सवाल आ सकता है बिकॉज हमेशा से मॉडर्न इंडिया में देखेंगे सो so मॉडर्न इंडिया में द रिटर्न ऑफ गांधी वाला जो टॉपिक है ना स्पेशली पोस्ट रिटर्न ऑफ गांधी हैज ऑलवेज बीन इम्पोर्टेंट बाकी आप में से कुछ लोगों ने शायद न्यूज़पेपर देखा होगा मैं ये भी देखूंगा आप लोगों में से कि कितने लोगों को पता है कि आज कौन सी न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी तो खैर हम सारी चीजें कवर करेंगे सो so, आज इसीलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया पूरी न्यूज कंपाइल करने में क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग दो न्यूज कवर करते हैं और दोनों में ही काफी ज्यादा न्यूज आई थी तो इसमें आज ऐसा लग रहा था कि क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए बदन क्या है कुछ चीजें जो थी वो रेपिटेटिव थी तो ऑफकोर्स उनको दोबारा करने का कोई मतलब नहीं था एंड uh, इसलिए हमने जो मेजर न्यूज है उसको कवर किया है राइट सो एनालाइज इन फॉर यस लॉन्ग बैक सो इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन द मेंटरशिप प्रोग्राम यू कैन ज्वाइन इट बाई गोइंग थ्रू माई वेबसाइट द सिंह डॉट कॉम ओके सो नाउ लेट मी शेयर माय स्क्रीन क्विकली सब लोग आ गए हैं सब लोग जुड़ गए हैं चलिए लेट्स स्टार्ट सो आई होप आप लोगों को कल वाला पीडीएफ मिल गया होगा टेलीग्राम uh, चैनल पे सारा शेयर हो जाता है सो uh, so उसको देख लिया करिए आप लोग एंड प्लीज डू मेक नोट्स आउट ऑफ इट ठीक है नोट्स बनाना जरूरी है uh, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाएंगे आप लोग तो ज्यादा ईजी रहेगा याद करना ठीक है चलिए सो काफी डिस्कशन हो गया लेट्स कम बैक टू द टॉपिक एंड लेट मी नो आप अगर आपको मेरी स्लाइड विजिबल है सब लोगों को तो okay one second i'll yeah. yeah it will be visible just give me a second अभी दिख रही होगी सबको विजिबल ऑडिबल ऑल गुड चले चलो मिस्टर पीटर हाय बोल दो सबको जल्दी से वी विल स्टार्ट द न्यूज़ एनालिसिस गुड मॉर्निंग बोल दो सबको जल्दी से जल्दी से हाय बोल दो सो दिस इज मिस्टर पीटर ही आल्सो हेल्प्स मी इन द डेली न्यूज़ एनालिसिस आप लोगों के लिए क्यू एंड में क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठा देते हैं भाई साहब राइट चलिए सो कमिंग टू द फर्स्ट सेट ऑफ न्यूज एज यू नो कि आज प्रवासी भारतीय दिवस है आज आ, महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौट के आए थे वॉट वॉज द ईयर वेन महात्मा गांधी जी केम बैक ईयर ऑफ हिज रिटर्न वेन डिड गांधी रिटर्न टू इंडिया बताइए जल्दी से प्रवासी भारतीय दिवस में आ, आज आ, मतलब देखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी इज हैज गॉन टू तो गुजरात क्योंकि वाइब्रेंट गुजरात समिट हो रहा है एंड uh, उसमें यूएई के प्रेसिडेंट आ रहे हैं टू इंडिया एंड देन देर आर वेरी हाई प्रोफाइल विजिट एक्सपेक्टेड इन इंडियाली देखेंगे uh, uh, you know, के आ सकते हैं uh, in so, इन है. so, तो इंडिया सो उसको लेके इम्पोर्टेंट है सो महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया ऑन जनवरी उन्नीस सौ पंद्रह बहुत सारे लोग जो है उसको उन्नीस सौ चौदह से कन्फ्यूज करते हैं प्लीज ऐसा मत करिएगा ठीक है एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रिलियम्स के लिए भी और मेंस में भी आता ही आता है इसके ऊपर सवाल ठीक so so, है सो डोंट फॉरगेट दैट सो इसलिए प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया जाता है सो so, uh, आप देखेंगे इसलिए uh, you know, समिट जो है उसी के दौरान किया जाएगा दस ग्यारह जनवरी को बाकी एज आई टोल्ड यू दैट पीपल हु आर रेगुलर विद द सीरीज चाहे वो क्यू एन ए हो चाहे वो सीपी क्यू है विल स्टैंड अ चांस टू विन द दाइंड कॉपी ऑफ डॉक्टर जयशंकर न्यू बुक वाई भारत मैटर्स बाकी सीपी सीरीज डेली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो लोग नए हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि आ, हम लोग रात को आठ सवा आठ बजे के बीच मिलते हैं पीडीएफ आपको यहां पे मिली जाएगी सो कमिंग टू द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट मेड हेडलाइंस और ब्रोक हेडलाइंस एक्चुअली और ब्रोक द इंटरनेट इन वन सेंस वॉज द क्वॉशिंग ऑफ द रिमिशन ऑर्डर बाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तो रिमिशन जो होता है ठीक है उसको कैंसिल कर दिया जस्टिस नागरत्ना की बेंच थी उन्होंने एंड uh, उसमें कई सारे प्रोसीजरल उन्होंने आइडेंटिफाई किए कि बहुत सारे फैक्ट्स को सप्रेस किया गया ठीक है जो करेक्ट इंफॉर्मेशन थी उसको नहीं दिया गया जिस वजह से कोर्ट को uh, ये जो रिमिशन का ऑर्डर है वो कैंसिल करना पड़ा और कौन और मतलब ये बड़ा यूनिक है कि इन लोगों को बेसिकली रिहाई देने के बाद कोर्ट ने मैंने वापस बोला है कि अब आप इनको जेल जाना पड़ेगा दो हफ्ते का टाइम दिया सरेंडर करने के लिए सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग जनरली बहुत रेयर होता है इंडिया में ऐसा अगर आप देखेंगे तो तो पहले तो जरा हम ये समझते हैं कि ये होता क्या है एज यू नो देर आर डिफरेंट पार्डनिंग पावर्स ऑफ द गवर्नर एंड द देजिडेंट ऑफ इंडिया सो जो पार्डनिंग पावर्स होती हैं उसमें एक दो चीजों का आपको याद रखना है जो प्रिलिवज में सवाल आएगा फ्रॉम पॉलिटी सो पार्डनिंग पावर अलग अलग टाइप की होती है ठीक है कौन कौन सी होती है बताइए जल्दी फटाफट एक होता है आपका पार्डन ठीक है कंप्लीट छुट्टी दे दी जाती है दूसरा होता है कॉम्यूटेशन तीसरा होता है रिमिशन चौथा होता है रिस्पाइट पांचवा होता है रिप्रीव ठीक है सो प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल सेवेंटी टू में रहती है और गवर्नर के पास किस आर्टिकल में रहती है गवर्नर की पार्टनिंग पावर अगर हम देखें गवर्नर पार्टनिंग पावर अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताइए जल्दी से फटाफट देखे कितना याद है आर्टिकल 161 करेक्ट सो so, 161 विद द गवर्नर बट इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस एक्चुअली में इन रीसेंट मल्टीपल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ये बोला गया है कि जो रियल में यह पावर होती है यह एक्सरसाइज की जाती है बाई द स्टेट मतलब इट इज एक्चुअली द पावर ऑफ द स्टेट स्टेट मतलब जो वहां की सरकार है वो एडवाइस देती है गवर्नर को और सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में बेसिकली पार्टिंग इन द सेंट्रल लॉज में प्रेजिडेंट को जो एडवाइस दी जाती है वो किसको दी जाती है प्रेजिडेंट के द्वारा वो दी जाती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट द होम मिनिस्ट्री एंड द लॉ मिनिस्ट्री सो टेक्निकली अगर आप देखें सेक्शन 423 ऑफ द पुराने जो अभी क्रिमिनल लॉज है हमारे अभी तो खैर चेंज हो गए हैं बट तो अभी इंप्लीमेंट होने में टाइम लगेगा तो सेक्शन जो उनके अलग अलग है फोर ट्वेंटी थ्री उसके अंदर ये पावर स्टेट की होती तो अल्टीमेटली स्टेट डिसाइड करता है बट उस उसपे हम बाद में आएंगे पहले जरा समझ लेते हैं कि पार्डनिंग का मतलब क्या होता है पार्डनिंग मीनस आपको कंप्लीट छुट्टी मिल गई मतलब यू आर फ्री टू गो ठीक है नो केस इज पेंडिंग टेशन में जनरली डेथ सेंटेंस से उसको लाइफ इंप्रेजमेंट में कन्वर्ट किया जाता है ठीक है मतलब जनरली कॉम्पिटेशन इंडिया में ये यूज होता है बट की लेसर सेंटेंस और उसका नेचर भी चेंज कर दिया जाए रिमिशन में हम लोग याद रखिएगा हमेशा रिमिशन ड्यूरेशन ड्यूरेशन कम कर देते हैं सेंटेंस का सजा का लेकिन नेचर ऑफ सेंटेंस चेंज नहीं होता मतलब अगर रिग्रेस इंप्रेजमेंट है तो रिग्रेस ही रहेगा ठीक है बट ड्यूरेशन कम हो जाता है रिस्पाइट में स्पेशल केस में क्या होता है कि आपका नेचर ऑफ सेंटेंस भी कम हो जाएगा तो अगर रिग्रेस इंप्रेजनमेंट है तो उसको सिंपल इंप्रेजनमेंट कर दिया जाएगा मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको मे बी uh, कोई महिला कॉन्वेट है वो प्रेग्नेंट हो गई है या किसी को बीमारी हो गई है लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गई है तो उसके केस में उसको रिस्पाइट दे दिया जाता है रिप्रीव का मतलब होता है टेम्प्ररी स्टे ऑन ऑर्डर ठीक है एग्जीक्यूशन का ऑर्डर या कोई ऑर्डर जो दिया गया है उस पर टेम्पररी स्टे लगाना तो ये पांच पार्टनिंग पावर होती है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की और गवर्नर भी डेथ सेंटेंस को पार्टन कर सकते हैं अगर आपको ये बात नहीं पता है और बुक्स में ये गलत लिखा हुआ है तो प्लीज उसको चेंज कर लीजिए इवन गवर्नर कैन पार्डन डेथ सेंटेंस एज पर द रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो 2021 में आया था रिसेंट तो नहीं है पुराना हो गया अब ठीक है तो ये पार्डनिंग पावर की बात होती है अब आते हैं बिल्किस बानो केस में क्या हुआ तो हमें पूरी टाइमलाइन में जाने की जरूरत नहीं है मैं बहुत ब्रीफ में आपको समझाता हूं हुआ क्या है So, बिल्किस बानो आ, के साथ हीनियस क्राइम हुआ था शी वॉज गैंगरेप ड्यूरिंग गोधरा राइट्स एंड देन जो कॉन्विक्टे उनको सजा सुनाई गई तो स्पेशल सी बी आई इंक्वायरी हुई थी उसमें बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि गुजरात का केस था लेकिन मुंबई को रेफर कर दिया गया क्योंकि वहां पे आ, जो था माना जा रहा था कि फेयर ट्रायल नहीं हो सकता और लाइफ को थ्रेट था बिल्किस बानो को सो so, मुंबई में जब ये केस गया तो वहां पे इन्होंने जो कोर्ट है उन्होंने सजा सुना दी पॉइंट ये कि सजा सुनाई मुंबई ने लेकिन ये लोग थे जेल में कहा गुजरात में ठीक है क्राइम क्योंकि गुजरात में हुआ था तो अब जब जनरली क्या होता है कि चौदह साल की अगर आप सजा काट लेते हैं ये प्रिजन मैनुअल रूल्स होते हैं हर स्टेट के सो हर स्टेट के अपने अपने प्रिजन रूल्स होते हैं तो उनके स्टेट के अलग अलग रूल्स होते हैं रिगार्डिंग रिमिशन आल्सो क्योंकि अल्टीमेटली ये जो होती है ये स्टेट की पावर होती है तो किन केसेस में रिमिशन दिया जा सकता है किन केसेस में नहीं दिया जा सकता ये हर स्टेट डिसाइड करता है तो uh, क्योंकि जजमेंट मुंबई में सुनाया गया था पहले कोर्ट का ऑर्डर था तो पहले इन लोगों ने मुंबई में अप्रोच किया लेकिन मुंबई में इनका ये केस खारिज कर दिया गया इट वाज रिजेक्टेड सो दे हिट दिस फैक्ट व्हेन दे अपील्ड इन द सुप्रीम कोर्ट जब इन्होंने तेरह मई को अपील किया था सुप्रीम कोर्ट में तो इन्होंने ये बात सुप्रीम कोर्ट से छिपाई कि इन्होंने ऑलरेडी अपील किया हुआ था मुंबई में जो रिजेक्ट हो चुका है देन दे वेंट टू गुजरात कोर्ट फिर वहां से फिर ये दोबारा गए सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जो तेरह मई का जो जजमेंट है उसमें इन्होंने बोला कि इनके रिमिशन के बारे में सोना, सोचा जाना चाहिए तो उसके बाद जो है जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिमिशन हो सकता है इस केस में क्योंकि उस समय जो वो कोर्ट थी उनके पास सारा इन्फॉर्मेशन नहीं था जो कि अपने आप में बड़ा सरप्राइजिंग है कि कोर्ट को सारी इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं गई तो उसको लेके जब कोर्ट ने बोल दिया कि रिमिशन दिया जा सकता है आ, इस केस में तो आ, देन बिल्किस बानो ने क्या किया कि दे अपील करी सुप्रीम कोर्ट में जिसकी अभी हियरिंग रिजेक्ट तो भी हो गई उनकी बट ये जो रिमिशन किया गया जब ये छूट गए ये जो थे आ, जो गिल्टी थे तो इसके बाद फाइनल अपील करेगी जिसमें ये जजमेंट जो है कल आ, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो काफी सारी चीजें इसमें मल्टीपल हो रही थी मेन पॉइंट जो हमें ध्यान देना है वो ये है कि जो दो जजेस जो आप देखें जो बेंच है जस्टिस बी वी नागरत्न जस्टिस उज्जवल भिवान उन्होंने बोला कि पहली चीज जो उन्होंने हाईलाइट करी है जो प्रोसीजरल है है इसमें वो ये है कि गुजरात सरकार के पास अथॉरिटी नहीं थी इसमें क्यों क्योंकि जब जजमेंट मुंबई में हुआ था तो गुजरात सरकार रिमिशन नहीं दे सकती थी पहला तो उन्होंने यही बताया कि पहला इशू यहां पे ये यह है सिमिलरली उन्होंने बोला कि जब 2008 में इनको सजा सुना दी गई थी तो ये जैसे आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सेक्शन 432 है ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द क्रिमिनल कोड इसमें आप देखेंगे स्टेट के पास पावर होती है टू ग्रांट रिप्राइव रेमिशन एक्सेट्रा और क्योंकि ये जो वर्डिक था जो जो इनको बेसिकली चार्ज किया गया था सजा सुनाई गई थी वो मुंबई महाराष्ट्र में सुनाई गई थी तो महाराष्ट्र सरकार के पास पावर थी ना कि गुजरात सरकार के पास रिमिशन देने की तो पहली गलती तो यहां पे ये हुई तो इसीलिए उन्होंने बोला कि गुजरात सरकार ने क्या करा बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया है दे हैव यूज द वर्ड असर्ब पावर असर्ड मतलब पावर अपने ऊपर जानबूझ के ले ली छीन ली एक तरीके से खींच ली अपनी तरफ जो कि गलत है तो उन्होंने बोला गुजरात सरकार ने महाराष्ट्र सरकार की जो पावर थी वो अपने ऊपर असर कर ली है एंड uh, एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने अगेन हाईलाइट किया इन इन द जजमेंट इज कि गुजरात सरकार ने अपनी जो रिमिशन पॉलिसी थी उसको चेंज कर दिया था हीनियस क्राइम्स के लिए रिमिशन नहीं दिया जाएगा एंड दैट इज वाई बिकॉज दिस इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी गैंग रेप तो ये हीनियस क्राइम की कैटेगरी में आता है तो उसमें रिमिशन नहीं मिल सकता था ये बात भी कोर्ट से छिपाईगी रूल्स जो हैं वो गुजरात सरकार के चेंज हो चुके हैं तो इस वजह से आप देखेंगे बहुत सारे फ्लॉज थे जिस वजह से ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट ने आइडेंटिफाई किया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक तरीके का ये एक फ्रॉड है ठीक है जो फ्रॉड किया गया है कि सारे मटेरियल्स को छिपाया गया सही इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कोर्ट को जब रिमिशन का ऑर्डर पिछली बेंच ने अनाउंस किया था तो इसीलिए आप देखेंगे आ, ये तेरह मई का जो जजमेंट है जस्टिस रस्तोगी जी का जिसमें उन्होंने बोला था कि क्योंकि जो इसमें एक कॉन्विक्ट था उसने रिमिशन के लिए अप्लाई किया था तो जब रिमिशन के लिए अप्लाई किया तो ना तो उसने ये बताया कि मुंबई की कोर्ट ने रिजेक्ट किया हुआ है दूसरा कि गुजरात सरकार का रिमिशन का लॉ चेंज हो चुका है उसमें हीनियस क्राइम के लिए रिमिशन नहीं मिलेगा ये बात उसने बताई ही नहीं तो कोर्ट को पता नहीं था कोर्ट ने बोला ठीक है भाई चौदह साल हो चुके हैं इनके आप देख लो भाई गुजरात सरकार देख ले एक बार कि क्या आप रिमिशन दे सकते हो नहीं दे सकते हो गुजरात सरकार ने रिमिशन दे दिया इस केस में उसके बाद ऑब्वियसली इट वाज समथिंग विच इज अनफेयर तो बारों ने अपील किया यू नो टू द सुप्रीम कोर्ट तो पहले तो रिजेक्ट हो गई फिर दोबारा क्योंकि आपको पता है देखिए सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है आर्टिकल बोलता है सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 129 इट कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट तो अपने खुद जजमेंट को रिप्ले जो है वो रिव्यू कर सकते हैं सिमिलरली uh, क्योंकि यहाँ पे एक जो इक्वालिटी का प्रिंसिपल है सो so, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे दो चीजों का कॉन्फ्लिक्ट uh, देखने को मिलता है आर्टिकल ट्वेंटी राइट टू इक्वालिटी राइट टू लिबर्टी ठीक है ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला क्यों क्योंकि राइट टू इक्वालिटी क्यों गड़बड़ है यहां पे क्योंकि जिस तरीके से केस को प्रेजेंट किया गया कोर्ट में वो इक्वालिटी का वायलेशन है रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है सो so, पहली चीज यहां पे कोर्ट ने बोला कि रूल ऑफ लॉ वायलेट हुआ यहाँ पे गुजरात सरकार ने मुंबई जो महाराष्ट्र की सरकार की पावर है वो अपने पास ले ली रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है क्लियर एविडेंस नहीं प्रोवाइड किया गया कोर्ट को अगेन रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है और ट्वेंटी वन का कॉन्फ्लिक्ट क्यों आया क्योंकि अब जो इंसानों को छोड़ दिया गया उनकी लिबर्टी किसी भी इंसान की बड़ी प्रेशर होती है तो क्या वो लिबर्टी उनसे छीनी जा सकती है ठीक है तो इसको लेके बड़ा एक इंपॉर्टेंट दो तीन जजमेंट है जिनको हम नोट करेंगे अपने नोट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के लिए सो so, इसीलिए इसमें आप देखेंगे कि दो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्फ्लिक्ट है आर्टिकल 14 वर्सेस आर्टिकल 21 मोस्ट ऑफ द केसेस में आर्टिकल 21 वन अपहोल्ड होता है लेकिन यहां पे आर्टिकल 14 अपहोल्ड हुआ है क्योंकि जो राइट ऑफ इक्वालिटी या उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना वो ज्यादा वन सेकेंड तो या सो जो राइट टू इक्वालिटी है रूल ऑफ लॉ उसको अपहोल्ड करना वाज मोर सिग्निफिकेंट इन दिस केस देन द लिबर्टी ऑफ द कन्विक्ट्स क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने तो मटेरियल छिपाया है ठीक है एविडेंस छुपाए गए इस वजह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक जजमेंट है और ये जो जो ये रूल्स हैं ठीक है ये खुद बोलते हैं कि इन द केस ऑफ हीनियस क्राइम 28 साल से पहले रिमिशन ही नहीं मिल सकता तो और यहां पे चौदह साल की इम्प्रेजनमेंट के बाद इन्हें रिमिशन मिल गया अब क्या जो स्टेट जो मैनुअल जो जेल प्रिजन रूल्स होते हैं हर स्टेट के अलग अलग होते हैं तो उसमें अलग अलग पॉलिसी होती है जैसे राजस्थान की अलग है बिहार के अलग है आपको याद होगा बिहार में एक बहुत बड़े बाहुबली नेता है ठीक है उनको रिलीज किया गया था इस केस में सिमिलर टाइप केस में जब आप जानते होंगे कि उनके ऊपर एलेजेड ये एक केस है कि उन्होंने वहां के कलेक्टर का मर्डर किया था यू माइट रिमेम्बर दिस उसमें भी बिहार के जो रिमिशन रूल्स थे प्रिजन मैनुअल रूल्स थे उसके लूप होल को यूज किया गया इफ यू रिमेंबर ये एक साल पुरानी बात है एक बहुत बड़ी अगर आप बिहार से हैं तो आप जानते होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं सो वेरी वेरी पॉपुलर बाहुबली स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले एक लीडर है वहां के जो बहुत पुराना एक केस है एक वहां के एक डीएम को मॉब लिंचिंग में मार दिया गया था एंड ही वॉज द मेन पर्सन बिहाइंड यू नो दैट इंसिडेंट सो इसी तरीके से क्या होता है कि जो प्रिजन मैनुअल रूल्स हैं ठीक है या जो रिमिशन रूल्स हैं उनका किस तरीके से लूपोल से उनका यूज किया जाता है ना इसमें दो तीन चीजें जो है जो इस जजमेंट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रिस्पेक्ट टू रूल ऑफ लॉ कि रूल ऑफ लॉ के बारे में एक दो चीजें याद रखिएगा कि पहले तो देखिए जो रूल ऑफ लॉ है ये कॉन्सेप्ट कहां से आया है दिस हैज कम फ्रॉम दी मैसेच्यूसेट कॉन्स्टिट्यूशन सेवनटीन एटी जॉन एडम्स ठीक है यहां से निकल के आया इनकेस प्रिलिम्स में क्वेश्चन आ जाए सो भूलिएगा मत इसके बारे में जॉन एडम्स की थ्योरी है एंड इसमें एक दो और इम्पोर्टेंट चीज बोली उन्होंने कि कोर्ट ने कि अगर स्टेट अपनी अपना काम करने से फेल कर जाएगा तो कोर्ट को स्टेप इन करना पड़ेगा वैसे तो ये जिम्मेदारी जो है आ, राज जो बेसिकली स्टेट है अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट करने की होती है बट अगर स्टेट अपना काम नहीं करेगा तो उस केस में कोर्ट को स्टेप इन करना पड़ेगा एंड इफ द स्टेट यू नो फेल्स टू परफॉर्म इट्स ड्यूटीज देन द कोर्ट विल हैव टू स्टेप इन टू इन्श्योर दट द रूल ऑफ लॉ प्रसर दब्यूज ऑफ इट तो इसलिए आप देखेंगे पे पे आर्टिकल 14 का जो जो है है क्लियर वायलेशन देखने को मिला क्योंकि प्रॉपर आप देख सकते हैं एविडेंस नहीं प्रोवाइड किए गए थे कोर्ट को और उनको बेसिकली अंधेरे में रखा गया और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बोली इन्होंने कि कोई भी इंसान रूल ऑफ लॉ के अब नहीं है चाहे वो कितनी भी हाई पोजिशन में हो और इसको कह सकते हैं कि सेलेक्टिवली नहीं लगाया जा सकता इट हैजू बी सीन इन द वाइडर कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो तो इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट जजमेंट्स uh, इन्होंने हाईलाइट किए हैं जो कोर्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने कल के जजमेंट में एक जस्टिस कृष्णा अयर का जजमेंट जो जजमेंट है उन्होंने बोला दैट द फाइनेस्ट आर ऑफ द रूल ऑफ लॉ लॉ इज व्हेन लॉइज लाइफ एंड मैचेस प्रॉमिस विद परफॉर्मेंस एंड बहुत फेमस एक और जस्टिस हैं जस्टिस एच आर खन्ना उनका जजमेंट था एडीएम जबलपुर केस में जो जो राइट टू प्रिवेसी का सबसे पहला केस आप कह सकते हैं सो so, उसमें उन्होंने बोला था दैट द रूल ऑफ लॉ इज द ऑफ आर्बिट्रेरीनेस तो आर्बिट्रेरीनेस के ऊपर प्रिलिम्स में ऑलरेडी सवाल आ चुका है प्रिलिम्स में अगर आप देखेंगे दो साल पहले एक सवाल आया था कि आर्बिट्रेरी एक्शन अगर कोई सरकार करती है तो उसके खिलाफ आप कौन सा आर्टिकल यूज कर सकते हैं दैट इज राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 तो इसीलिए इन्होंने जस्टिस एच आर खन्ने ने बोला कि रूल ऑफ लॉ क्या है एंटी थीसिसनेस है मतलब अगेंस्ट आर्बिट्रेरनेस स्टैंड करता है तो ये दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है यार नोट करने के लिए मैंने आपके लिए स्लाइड में समराइज कर दिया है सो जॉन स्मिथ का कॉन्सेप्ट उसके अलावा जस्टिस एच आर खन्ना का जजमेंट उसके पहले जस्टिस कृष्णा अयर का जजमेंट एंड वॉज द होल इशू विदिंग में पूरा टॉपिक डिस्कस कर लिया है पॉलिटी के परस्पेक्टिव से नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ न्यूज जी आई टैग ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट so, है सात प्रोडक्ट फ्रॉम उड़ीसा तो वो कौन कौन से हैं एक तो कबदंगड़ा शॉल है जो जनली वहां की डोंगरिया कोंद ट्राइब बनाती है देन कोरापुट काला जीरा राइस है और जनली ये जो है अगर आप देखेंगे ये काले कलर के होते हैं बिकॉज इनको क्यूमिन सीड की तरह दिखते हैं दूसरा अगर आप देखेंगे संजीरा सौरा पेंटिंग है इसको इदिताल भी बोला जाता है एंड जनली यहाँ का पीवीटी जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है वो बनाते हैं उसके अलावा यहाँ पे सिमली पाल काई चटनी है जो जनली रेड वीवर एंट्स को मतलब चटनी बनाई जाती है उनको पीस के ठीक है उसको बिल्कुल पीस के चटनी बना दी जाती है जो लाल चीटिया होती है वहां के ट्राइबल्स जिसको खाते हैं इट इज अ डेलीकेसी फ्रॉम मयूर सो वेरी अगेन इंपॉर्टेंट देन उड़ीसा का खजूरी गुड़ा है देन uh, नयागढ़ का कांते मुंडी ब्रिंजल ठीक है एंड इट इज नोन टू बी रेजिस्टेंस टू इनो इंसेक्ट्स एंड देन जो सेवेंथ है वो है धनी कनल मंजी लड्डू जो जनरली बफेलो मिल्क से बनता है कॉटेज चीज सो so, ये सात नाम जान लीजिएगा बस कि कहा जी आई टैग है मैच द फॉलोइंग में में आ सकते हैं उसके अलावा एक मैंने हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों से कंबाइन कर दिया है ये द हिंदू में आया था आ, ये वाला जो सेक्शन है ये इंडियन एक्सप्रेस से आया है तो मैंने दोनों आपके लिए एक स्लाइड में कंबाइन कर दिया सो दैट so आपके लिए इजी रहेगा हिंदू में ये बताया कि जनरली कौन कौन सी कैटेगरी में जीआई टैग्स होते हैं उसके अलावा स्टेट वाइज नंबर ऑफ जीआई टैग्स किसके ज्यादा हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए ठीक है अगर आप देखें 61 इज इन तमिलनाडु उत्तर प्रदेश इज 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 56 48 इन केरला 39 एंड अगर कैटेगरी वाइज देखेंगे तो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है ये कहीं नहीं मिलेगा आपको बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ठीक है तो सारे जीआई टैग्स याद करने की जरूरत नहीं है जो न्यूज में है उनको याद रखिए क्योंकि बाकी सारे आप क्या कर सकते हैं एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं और ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने यहां पे स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज भी कर दिया है आपके टैक्स right. बढ़िया इकोनॉमिस्ट हैं और काफी ज्यादा पीडीएस पे और पावर्टी पे काम करते हैं इनका ये कहना है कि इंडिया में जो हमारा सीरियल प्रोडक्शन है ना वो लगभग तीन मिलियन टन है बट जो कंजम्पन है वो बड़ा ऑड है कि इतना बनाने के बाद जो है कंजम्पन सिर्फ 200 सौ मेट्रिक टन या मिलियन टन है किसका सीरियल्स का वीट राइस एक्सेट्रा का तो ऐसा क्यों है मे बी सरकार को इसको स्टडी करने की जरूरत है क्या ये लीक हो रहा है डेटा प्रॉपर नहीं है इकोनॉमिक सर्वे का मैच किया या बाकी जो सरकार का डेटा है और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि लोगों की जो चॉइस है बिकॉज क्या हो रहा है यू नो इनकम लेवल्स आर राइजिंग तो क्योंकि इनकम राइज कर रहा है तो पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम सीरियल्स ठीक है तो वो क्या है प्रोटीन रिच फूड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं राइट एंड डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है किसका उनके फूड बास्केट का डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड तो इसको लेके मैंने कुछ यहां पे हाईलाइट किया हुआ है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे आपको याद नहीं करने एक तो यहां इन्होंने बताया हुआ है उसके अलावा इन्होंने कहा, कहा से डेटा लिया है ये किया हुआ है देन ये स्टेट लेवल रिपोर्ट है तो ये बता रहा है कि कैसे जो जनली जो ये है है ठीक पर पर कैपिटा कैपिटा सीरियल इसको बोलते हैं पर कैपिटा मतलब पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल जो इंडिविजुअल्स हैं सीरियल इज ऑन अ डिक्लाइन इन इंडिया आप देखिए यहां पे भी ग्राफ बताता है कि अवेलेबिलिटी कितनी है और कंजम्पन कितना कम है तो लोग जो है गेहूं चावल का कंजम्पशन कम कर रहे हैं अंडे दूध इनका कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं जनरी ये माना जाता है कि ऐसा भी हो सकता है कि लोगों के पास पैसे नहीं है बट इंडिया में तो केस ही नहीं है ना क्योंकि इंडिया में तो हम पीडीएस सब्सिडी दे रहे हैं ठीक है आप देखिए जो हमारा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अलावा तो इसीलिए उन्होंने बोला यहां पे कि जनरली ये इस केस में हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लोगों की इनकम बढ़ रही है और इनकम बढ़ने की वजह से लोग अपने जो अब ऑब्वियसली बात है कि अगर आप गेहूं चावल पे हो तो धीमे धीमे अंडा खाओगे मुर्गी खाओगे बाकी सारी चीजें खाओगे फिर यू विल यूक्रीज एंड डाइवर्सिफाई योर टाइप ऑफ फूड चॉइस तो इसलिए क्या ये जनरली जो ये आ, सीरियल प्रोडक्शन हो रहा है क्या ये कैटल फीड में तो नहीं जा रहा है सो क्या ये वेस्ट तो नहीं हो रहा है सो देर फोर देर इज अड टू अड्रेस दिस क्वेश्चन तो ज्यादा चीजें इसमें याद नहीं रखनी है बस इसमें ये जो कुछ फैक्ट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं कि कहां से डेटा लिया गया है और व्हाट इज द होल कॉन्टेक्स्ट तो ये नंबर नम, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि

डिफरेंट सेक्शन मॉलदीव के साथ तो देखिए क्या ही चल रहा है आप जानते हैं कल से बवाल मचा हुआ है इंडियन अम्बेसडर को बुलाया गया फिर इंडिया ने वहां के अम्बेसडर को बुलाया चार मिनट में वापस भेज दिया समझा बुझा के कि भैया अपनी <laughs> ज्यादा उछलो कूदो नहीं और ये सारा मैंने आपको याद होगा कल मैंने आपको बताया था कि ये सारा किस कॉन्टेक्स में हो रहा है क्योंकि इसमें सीधे सीधे चाइना का इन्फ्लुएंस है और बेजती तो तब हो गई इनकी मोलदीवियन प्रेसिडेंट की मोहम्मद मुज्जू की बिकॉज जब वो गए वहां पे तो उनको रिसीव करने के लिए कोई बहुत बड़ा डेलीगेशन या कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी नहीं आया एयरपोर्ट पे तो मॉलदीव्स की किरकि ऐसी हो गई प्लस कल जो है ईज माई ट्रिप मेक माई ट्रिप अगर आप देखो उन सब ने क्या किया कि भाई उन्होंने कह दिया कि हम मॉलदीव की ट्रिप बुक नहीं करेंगे सडनली लक्षदीप हैज बिकम अ फेवरेट फॉर एवरी वन एंड ऑफकोर्स जिस तरह की फॉलोइंग है प्राइम मिनिस्टर मोदी की तो वर्ल्ड के लीडर्स भी ऑफकोर्स सपोर्ट कर ही रहे हैं तो मैंने कल आपको बताया था कि दिस इज ऑल बिकॉज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना बिकॉज चाइना इज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द मॉलिवियन पॉलिटिक्स एंड ऑल्सो जो मिजू है uh, India out campaign is all based on this इंडिया आउट कैंपेन इज ऑल बेस्ड ऑन दिसना अपना पे बेस बना पाए उसके अलावा देखिए uh, वैसे जनरली न्यूज uh, जो है रिलेटेड टू मूवीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती बट ये ओपन हाइमर गोल्डन ग्लोब मिला है एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू विन ऑस्कर दिस ईयर तो ओपन हाइमर के बारे में न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बिल्कुल पढ़ लीजिएगा इस बार रॉबर्ट ओपन के बारे में गारंटी दे सकता हूं कि इस बार के सरकार का कोई आएगा या तो न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर रिएक्टर के ऊपर आएगा या फ्यूजन तो के ऊपर आएगा फ्यूजन के ऊपर आएगा या मे बी ओपन के ऊपर भी आ सकता है बिकॉज दिस वॉज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट मूवीज एंड रिलेटेड टू द हिस्ट्री सो एंड

उसके अलावा आपको याद होगा जो हिट एंड रन अभी जो लॉ है जो न्यू लॉ है अंडर दी भारतीय न्याय संहिता उसमें उसमें हम लोग जानते हैं हैं कि क्या है, क्या चेंजेस हुए ठीक है हो गया दस साल की सजा हो गई है लाइफ इंप्रिजनमेंट और सात लाख रुपए का फाइन है जो कि पहले दो लाख रुपए का था अगर आप कोई ये हिट एंड रन करता है तो और वो नहीं बताता है तो उसको ये सजा मिलेगी बट अगर वो बता देगा तो पांच साल की सजा मिलेगी अब इसको लेके क्योंकि ये सेक्शन 106 ऑफ द बीएनएस में एस है इसमें क्योंकि अब शायद इसमें इसमें कंसल्टेशन होगा चेंजेस डेफिनेटली आने वाले हैं कुछ तो चेंज होगा इसमें क्योंकि अभी इंप्लीमेंट होने में टाइम लगेगा बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ये सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स के लिए या बस ड्राइवर्स के लिए हर इंडिविजुअल के लिए सो इट इज एप्लीकेबल टू फॉर एवरी बहुत सारे लोगों को लगता था ये ट्रक और उन ड्राइवर्स के लिए इट इज एप्लीकेबल टू एवरी वन ऑल्सो वट आई एव हाईलाइटेड इन रेड ओवर इज कि इसलिए ये थोड़ा एक

फॉर एवरी अदर इंडिव्यूजल अगर वो हिट एंड रन करता है और डेथ हो जाती है तो दस साल के साथ सात लाख रुपए का फाइन बट अगर आप बता देते हो तो पांच साल का मिलेगी बट डॉक्टर्स के लिए दो साल कर रखा है सो इंडिविजुअल स्पेसिफिक भी है इंडिव्यूजल की प्रोफेशन स्पेसिफिक सो ये एक सेक्शन आया था तो मैंने सिर्फ उतना पोर्शन लिया है, जो हमने पहले कवर नहीं किया हैली अगैन एंड अगैन ये पोर्शन एक इंपॉर्टेंट था जो आपको याद रखना है कि डॉक्टर्स के लिए अलग है तो इस पॉइंट पे इसमें चेंजेस होंगे टेंट न्यूज विद रेस्पेक्ट टू जी एस वन जी एस थ्री एंड सोशोलॉजी के लिए भी इनकम इन इक्वालिटी इंडिया में डिक्लाइन कर रही है स्पेशली आफ्टर कोविड ये बोला जा रहा है कि जो के शेप कर्व था, वो अब नहीं है के शेप मतलब की कुछ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी जो थे वो काफी तेजी से रिकवर कर रहे थे कुछ सेक्टर जो है उतनी तेजी से रिकवर नहीं कर रहे थे तो के शेप का मतलब होता है कि

तो इन्होंने बेसिकली डेटा ये दिया है कि टैक्स पेयर्स बढ़ गए और स्पेशली लोअर इनकम लेवल से भी लोग टैक्स पेयर्स बढ़ने की वजह से इनकम इनिटी जो है एक मेजर है है बट बट दैट्स नॉट ट्रू के रिकवरी क्या होती है, जानना बहुत जरूरी है इसलिए मैंने आपके लिए यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा एंड पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं उसके अलावा एक आर्टिकल आया है दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर योर जीएस वन अगेन एंड रिलेटेड टू हेल्थ और इसके कुछ डेटा आप यूज कर सकते हो अपने एस पेपर में भी दिस इज विध रिस्पेक्ट टू दी सर्जियल सर्जिकल केयर जो है इंडिया में इतनी अच्छी नहीं है उसके कुछ पॉइंट यहाँ पे मैंशन किए हैं तो रिसेंटली लैंड की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि न्यूजीलैंड का जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है वन ऑफ द बेस्ट है 500 सर्जरी होती है पर वन लाख पीपल इंडिया में बहुत कम सर्जरीज होती हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सर्जरी करके बहुत तुरंत उसको रिजोल्व किया जा सकता है क्योर किया जा सकता है बट इंडिया में बेड की अवेलेबिलिटी नहीं है बहुत सारे कंसर्न तो वाई द सर्जिकल केयर इन इंडिया इज नॉट दैट ग्रेट इसके बारे में यहां पे कुछ पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है पहला बहुत सारे लोग जो है हॉस्पिटल समय पे पहुंच ही नहीं पाते पुअर रोड नेटवर्क लैक ऑफ व्हीकल्स ठीक है ये सारे प्रॉब्लम है सेकंड इवन इफ समवन इज एबल टू रीच अ फैसिलिटी देर माइट नॉट बी द नेसेसरी रिसोर्सेज फॉर द ट्रीटमेंट सर्जन अवेलेबल नहीं होगा कम होंगे छुट्टी पे होंगे एनेस्थीजिया अवेलेबल नहीं होगा एनेस्थीजियो जो अवेलेबल नहीं होगा क्लिनिकल स्टाफ अवेलेबल नहीं होगा प्रॉपर मशीन एंड इक्विपमेंट नहीं होगा तो ये एक कंसर्न है तीसरा कंसर्न है कि कैपेसिटी जो है वो अंडरमाइंड है ठीक है अगर आप देखोगे यहां पर रूरल इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब है क्योंकि जो कैपेसिटी इट इज वेरी लिमिटेड फोर्थ पॉइंट है क्वालिटी ऑफ सर्जिकल केयर डिटरमाइंस वेदर someone will have a safe आउटकम दिस विल डिपेंड ऑन द ट्रेनिंग ऑफ द सर्जन अवेलेबिलिटी ऑफ necessary इक्विपमेंट प्रेजेंस ऑफ appropriate केयर तो ये सारी चीजें जो है एक बहुत बड़ा अगेन फैक्टर है कि इंडिया में सर्जिकल केयर उतनी अच्छी नहीं है फिफ्थ ड्यू टू दबसेंस ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज एंड लिमिटेड सर्जिकल केयर केपेबिलिटी अमंग पब्लिक द फाइनेंशियल इंपैक्ट जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर वैसे तो अभी आप देखोगे आयुष्मान भारत कार्ड है अभी भी बहुत सारा जो एक्सपेंडिचर है वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है ऑन हेल्थ केयर सो इसीलिए इज गैप इन इन सर्जिकल केयर इंडिया और इसीलिए आप देखेंगे कि आ, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन जहां पे कुछ लोग वॉलेंटरली भी काम कर रहे हैं जैसे रूरल सर्जन एसोसिएशन फॉर रूरल सर्जन ऑफ इंडिया है आ, ये लोग काम कर रहे हैं सो so, इसमें इन्होंने बोला है कि देखिए एक प्रॉपर जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 2017 की ठीक है वो उतना ज्यादा उसने फोकस नहीं किया है इन

Uh, बाकी लास्ट न्यूज फॉर टुडे फ्रांस बैक एंड बावर आई एम नॉट रियली से कितने लोग जानते होंगे बट ही इज वन वन ऑफ द लेजेंड फुटबॉलर्स जिसने जर्मनी को ना सिर्फ एज अ प्लेयर वर्ल्ड कप जिताया बट ऑल्सो एज अ मैनेजर सो एज अ प्लेयर ऑल्सो एंड ऑल्सो एज अ मैनेजर बोट टाइम ही लेड जर्मनी टू वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप विन सो हो सकता है इनके ऊपर भी सवाल आ जाए क्योंकि कुछ लेजेंडरी प्लेयर्स होते हैं लाइक लाइक मैराडोना सर बॉबी चार्टन जिनके बारे में मतलब पता होना चाहिए मतलब मतलब जो यूपीएससी एग्जामिनर है उसके टाइम के दौरान के प्लेयर होंगे सो फ्रांस बेक बावर जो है ही वेरी इलस्ट्रियस करियर सो हंड्रेड एंड थ्री अपियरेंसेज है फॉर वेस्ट जर्मनी फिफ्टी एस कैप्टन विद फोर्टीन गोल्ड

जो फ्रांस बोला जाता था इनको एंड सो मी माइंड एक आर्टिकल है मैं सिर्फ हाईलाइट कर दिया इसको एक बार नजर मार लीजिएगा नॉट नेसेसरी टू गो इन डिटेल मेजरली है मूल्य प्रवाह क्या होता है सो मूल्य प्रवाह द न्यू सेट ऑफ गाइडलाइंस बाय यूजीसी रिगार्डिंग दी सर्टेन रूल्स रिगार्डिंग जो अगर आप देखेंगे पुश फॉर वैल्यूज एंड एथिक्स इन हायर एजुकेशन हायरिंग से लेके टीचर्स के साथ कैसे रहना है स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना है यूनियंस को कैसे करना है तो ये गाइडलाइन इशू करी है यूजीसी ने जिसका नाम है मूल्य प्रभा तो ये नाम याद रखेगा प्रभा रिलेटेड टू दिस इज गाइडलाइन रिगार्डिंग यू नो हायर क्वालिटी यू नो और इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया सो बस ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ओनली द ओनलीव टू गो थ्रू इट ठीक है देखिए इतनी सारी न्यूज होने के बाद भी हमने ऑलमोस्ट थर्टी थर्टी फाइव मिनट्स में पूरा कवर कर लिया है सो दैट इज द सो आज के क्वेश्चंस आपके सामने हैं वन इज इज रिलेटेड टू टू रामायण यू नो वॉटर बॉडीज की मैच द फॉलोइंग करना है शाम को डिस्कस करेंगे इसको देन थर्ड इज रिगार्डिंग द नीति आयोग रिपोर्ट यू नो रिगार्डिंग एथेनॉल एंड शुगर थर्ड इज रिगार्डिंग द स्क्र किलोमीटर एरे इसको हमने अपने न्यूज एनालिसिस में कवर किया था एंड चौथा फिफ्थ इज रिगार्डिंग द

एल सी यू गैस एट एपीएम बाकी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप पहली बार देख रहे हैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग सेट ऑफ वीडियोस हम आपके लिए डेली लेके आएंगे बहुत मेहनत लगती है यार ऐसे क्यू एन ए को बनाने में तो उसको अप्रिशिएट करने के प्लीज लाइक एंड शेयर एज मच इस थैंक यू टेक केयर